जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है। इस मुद्दे को लेकर सपा 24 फरवरी से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी वाराणसी से इस अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य के 822 ब्लॉक में जनसभा करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के इस अभियान को एक बड़े मूव की तरह देखा जा रहा है। सपा नेतृत्व ने प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप को सौंपा है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सौम्य प्रसाद मौर्य इस अभियान की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी संगोष्ठी अभियान कल वाराणसी से प्रारंभ होगा। कल 24 से लेकर 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई हैं और जातीय जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जातिगत जनगणना का दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे उठाए और हम इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। आप तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पोस्टर बने लगा दिए गए हैं कि जातिगत जनगणना संगोष्ठी का अभियान शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में डॉक्टर राजपाल कश्यप जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, इनकी अगुवाई में 24 फरवरी से जातीय जनगणना संगोष्ठी का अभियान शुरू होगा। यह अभियान वाराणसी से शुरू होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र है, यहाँ से इस अभियान की शुरुआत होगी। इसके बाद 25 तारीख को वाराणसी में रहेगा इसका कार्यक्रम, 26 तारीख को सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज कई जिलों में संगोष्ठी का आयोजन होगा और संगोष्ठी के आयोजन के माध्यम से समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को लगातार धार दे रही है और जातीय जनगणना के मुद्दे को लगातार उठा रही है, इसको लेकर गाँव तक समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जातीय जनगणना आना कितना जरूरी है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी जिले ब्लॉक स्तर पर लगातार काम करेगी। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जातीय जनगणना के मुद्दे को धार दे रही है, इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे कितना फायदा मिलता है, यह एक देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, MK न्यूज, लखनऊ।